श्रोताओ, इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री संतोष कुमार गंगवार जी। सर, आकाशवाणी रामपुर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले केंद्र सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। इस समय कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इसका असर सभी पर पड़ा है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित हुए हैं वे हैं हमारे श्रमिक। प्रवासी श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। सरकार ने क्या कोई ऐसी कार्य योजना बनाई है जिससे इनको रोजगार मिल सके? सबसे पहला बड़ा काम तो ये करा कि इतनी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को उनके निवास तक पहुंचाने का काम किया। रेल से 50 लाख और अन्य माध्यमों से बस सहित 40 लाख, एक इतनी बड़ी संख्या हुई। और ये अलग बात है कि एक आध कोई समस्या समाचार पत्रों में नजर आई, और सामान्यता एक सरकार ने सही कदम उठाया और उसके परिणाम भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो भी मजदूर अपने अपने घर पहुंच रहा है, सरकार ने मनरेगा की धनराशि तत्काल बढ़ा दी है जी, अमाउंट भी बढ़ा दिया है, संख्या भी बढ़ा दी है और लोगों को काम भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन अगर कल के बाद जो और सही दिशा में जाएगा, अब धीरे धीरे समस्या को देख करके सरकार तय करेगी इन लोगों की क्या जरूरत है। पर हमारा राय यह है कि उद्योग धंधे भी चलने चाहिए। हाँ। तो जो व्यक्ति इस काम में लगेगा, जाना चाहेगा, उसको जाने की भी सुविधा प्रदान करने का काम सरकार करेगी, ऐसा हमारा मानना है जी। सर, ये जो श्रमिक आए हुए हैं वहाँ पर अलग अलग कामों से जुड़े हुए थे, कोई रबर फैक्ट्री में था, कोई प्लास्टिक में था, कोई फूड इंडस्ट्री में था, अलग अलग कुशलता थी उनके पास। लेकिन यहाँ पर आकर के जो मनरेगा की बात की जा रही, तो मनरेगा में एक जैसा ही काम है, देखा जाए तो उनके अनुकूल है। आपकी बात सही है, मनरेगा पर तो तत्काल काम दिया गया है कि आप खाली ना बैठे। हाँ। ये बात आपने सही है कि उनकी एक्सपर्टीज जहाँ है वो वहाँ जाए, वहाँ जाकर काम करें, अच्छा आउटपुट भी दें। तो मुझे लगता है कि जून के महीने में काफी कुछ इसमें सुधार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्रीज है, तो क्या इस टाइप की कोई कार्य योजना है जिसमें उनको उनकी कुशलता के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा रहा हो कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए उपयुक्त है? ऐसा वो मजदूर अपने घर पहुंच जाए, पहुंचने के बाद उससे फिर इस संदर्भ में जानकारी करेंगे कि उनकी क्या रुचि है, वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। मुझे लगता है कि जून के महीने में ये बात को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जी जी जी। और यदि देखा जाए सर, उनकी रोजी रोटी के लिए तत्काल जो व्यवस्थाएं हैं मनरेगा के अंतर्गत, या उनके अकाउंट में पैसे डालने की ऐसी कोई योजना है? मनरेगा में तुरंत काम मिल रहा है और 100 दिन का काम है जी। और एक और काम सरकार ने कराया, जिनके राशन कार्ड भी नहीं है उनको अनाज और मुफ्त अनाज भी देने का काम किया है जी। जी, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में अब ये समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा। व्यवस्थित हो जाए फिर उनकी चिंता करके और उनको जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ भेजने की दिशा पर काम करा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग रुकना चाहेंगे वो रुक सकते हैं, और जो लोग पुनः अपने काम पर जाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। काम जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। धन्यवाद सर। धन्यवाद।